वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल में एक मज़ेदार टूल की, जिसका नाम है वीक डे, जो हमारे एक्सेल में फंक्शन भी है, फॉर्मूला भी है, ऑप्शन भी है। तो इसको हमने 5 कैटेगराइज किया है, जैसे फिल सीरीज़ के साथ कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन फार्मूला के साथ कैसे यूज़ करेंगे, डाटा वैलिडेशन के साथ कैसे यूज़ किया जाएगा, वीकडे का आर्गुमेंट क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और अपने वीकडे फंक्शन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही कमाल का टूल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना एक्सेल खोलते हैं, विंडो आर एक्सेल। से ब्लैंक लेते हैं और एक्सेल में सबसे पहले हम फिल सीरीज के बारे में सीखेंगे कि वीक डे का फिल सीरीज के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम अपना एक डेट लेते हैं, जैसे आज का हम डेट लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टुडे, TODAY टुडे। टुडे में देखेंगे तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इससे पहले का जो मेरा वीडियो था वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर था कि जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा रहता है उसके बारे में। तो टुडे में कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, तो इसमें ज़ीरो आर्ग्यूमेंट है, कुछ नहीं, ब्रैकेट ऑन करके ऑफ कर देना है। और आज का डेट जो कंप्यूटर के अंदर में है वो आपको दिखाई देने लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि वीकडे के साथ अरेंज करेंगे, मतलब ये वीकडे का मतलब होता है कि सप्ताह में जो 7 डेज है वो 7 डे को ना मानकर वीकडे हम 5 डे को मानते हैं, मंडे टू फ्राइडे, मतलब ये वर्किंग डे होता है और बाकी जो 2 डे है वो हॉलीडे होता है। तो वर्किंग डे को हम वीकडे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और फिल सीरीज के साथ यूज़ करना है हमको, इसको पहले वीकडे फिल करना है। तो हम अपने होम बटन में एडिटिंग ग्रुप के पास जाके फिल यहाँ से सीरीज़ करेंगे। तो सीरीज़ में ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा है सीरीज़ इन, इसको हम कॉलम में करेंगे क्योंकि हमको कॉलम में फिल करना है पूरा डेट। नीचे टाइप में ऑटोमेटिक डेट पिक किया है ये, और यूनिट जो है उसमें वीक डे का एक ऑप्शन है सेकेंड वाला, वो लेंगे। स्टेप वैल्यू कैसे बढ़ेगा, तो एक एक डेट आगे जाएगा, और ये जो स्टॉप होगा डेट ये कब स्टॉप होगा। तो हम इसमें कोई भी डेट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको इस पूरे साल का डेट लेना है, तो 12/31/2019, तो हम इस पूरे साल का डेट ले सकते हैं एक बार में, और ओके किया हमने। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरे साल का डेट है वो पूरा आ चुका है यहाँ पे, यह दिखा रहा है बिट्स कम होने की वजह से, यानी 221 रो में पूरा एडजस्ट हो पाया है पूरे साल का। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं कि संडे का क्या कोई डेट एक्सेप्ट किया है, तो आपको दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 28 का महीना है, उसके बाद एक के बाद सीधा आपको दिखाई देगा कि 4 तारीख है, एक के बाद सीधा 4, मतलब कि 2 और 3 तारीख जो है वो सैटरडे और संडे है। मतलब ये कि वीक डे के साथ हम केवल मंडे टू फ्राइडे का ही डेट फिल कर सकते हैं, इसमें हम संडे और सैटरडे का डेट नहीं लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है कि आप वर्किंग में ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिसमें इतने सारे डेट आपको पिक करने हैं, तो आप ऐसा ले सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल आप लेके डेट और उसको ड्रैग करेंगे, तो उसमें से संडे और सैटरडे को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे एक बार और ट्राई करते हैं कि आज का जो डेट है वो इक्वल दिया हमने टुडे लिया, ब्रैकेट ऑन ऑफ किया और इंटर मारा, यहाँ पे एक मैजिक हो गया कि ये जो था इसमें 26 आपको दिखा होगा, इसमें अब 27 दिख रहा है, वो एक मिनट के इधर उधर से। अब हमने इसको लिया, दोबारा से ट्राई करते हैं,
क्या करना था आपको कि इसको क्लिक करके रखना है होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप के पास जाके, फील के पास जाएंगे आप, इसमें सीरीज नाम का एक ऑप्शन है, सीरीज इन किधर सीरीज करना है, तो कॉलम में डेट ऑटोमेटिक पिक किया इधर, और डे की जगह पे वीक डे लेंगे, स्टेपिंग वैल्यू एक एक डेट आगे बढ़ेगा, और ये स्टॉप कब होगा, तो स्टॉप होगा 12वें महीने में, मतलब दिसंबर 31, 2019, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये डेट देखते हैं, 220 पे ख़त्म हो गया, क्योंकि वो जो मेरा था वो 1 मिनट पहले का था, तो वो 26 था, आज अब 27 तारीख हो गया है कंप्यूटर, तो ये अब ये तो आपने सीख लिया कि कैसे वीक डे को इंसर्ट करते हैं, अगर आपको वीक डे इंसर्ट करनी हो तो चलिए हम वीक डे फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि वीक डे फंक्शन फार्मूला का क्या यूज़ है वो। तो यहाँ पे जैसे हमने आज एक डेट डाला इक्वल टुडे, TOD टुडे, ब्रैकेट ऑन ऑफ किया, इंटर मारा, इस डेट को सिंपली फिल कराते हैं जिसमें सैटरडे संडे का कोई पाबंदी ना हो, सारे डेट पिक करें, तो फिल में ही जाएंगे हम, सीरीज के पास जाएंगे, डेट को डे से, कॉलम में 1, और इसको भी हम ले चलते हैं 12/31/2019, तो ये डेट हमने पिक कर दिया पूरा, मतलब इसमें पूरा जो दिन दिन है वो 308 दिन अभी भी है इस साल का बचा हुआ। अब इसमें से हमको ये जानना है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो वीक डे के माध्यम से हम जान पाएंगे, जैसे आपको क्या करना होगा, सिंपली इक्वल डालेंगे, वीक डे डालेंगे, WEEK वीक, DAY डे, टैब मारेंगे, इसमें दो ही आपको आर्गुमेंट है, एक है सीरियल नंबर और दूसरा है रिटर्न, आप क्या चाहते हैं, तो हमने बोला कि सीरियल नंबर तो ये है मेरा C1 कॉमा, और रिटर्न हम चाहते हैं कि एक को मंडे माने, तो ये पहला ऑप्शन, अगर आप एक डालते हैं रिटर्न टाइप में तो एक को संडे माना जाएगा, लेकिन हम एक मंडे मानना चाहते हैं तो दो डालेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर मारेंगे सिंपल। तो मंडे को अगर हमने एक मारा मांगा, तो ट्यूसडे को मेरा दो था, मतलब दूसरा दिन था, और वेडनेसडे को मेरा तीसरा दिन है, तो आज तीसरा दिन है सप्ताह का, यहाँ से हमने ड्रैग मारा तो सब पे दिखाई देगा कि ये चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा, सातवां दिन संडे, फिर मंडे को वो 4 तारीख को पहला दिन माना, ऐसा ये वीक डे फंक्शन है। तो ये तो मेरी बात हो गई फंक्शन फार्मूला की, जो इसमें हम आपको इधर कॉपी करके दिखा सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया था, कंट्रोल सी, और हमने यहीं पे पेस्ट कर दिया है इसको, फंक्शन को, तो इसके अंदर जो था वो एक बार और दिखाते हैं, इक्वल आपने डाला वीक डे, और इस वीक डे को हम सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर मीन्स क्या, रिटर्न टाइप मीन्स क्या, तो आप कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, तो इसका जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है पूरा ऑप्शन खुल के आएगा आपके सामने में, जिसमें सीरियल नंबर है, तो नीचे लिखा हुआ है सीरियल नंबर मीन्स कि इज़ ए नंबर दैट रिप्रेजेंट ए डेट, जहाँ पे एक डेट प्रेजेंट कर रहा है उसका उसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, तो हमने C1 दिया, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद ये रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप में क्या, तो नीचे लिखा हुआ है कि इज़ ए नंबर फॉर संडे 1 थ्रू सैटरडे 7, मतलब एक को संडे मान के सैटरडे 7 मानते हैं, तो एक डालना है use 1, उसके बाद है कि फॉर मंडे, मंडे को एक मानते हैं थ्रू संडे 7 डे, तो use 2, अब use 2 करिए, मंडे को 0 मानना है, संडे को 6 मानना है, तो use 3 करिए, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन है जो इस आर्गुमेंट में नहीं, वो बाहर ही हमको दिखाई देता है, इसको अगर हम कैंसिल करके यहीं पे आपको दिखाने की कोशिश करें कि वीक डे C1 कॉमा, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, वहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था,
लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शंस है कि अगर आप 17 डालते हैं तो 1 को संडे मानेगा, 7 को सैटरडे मानेगा, ऐसे ही वही चीज़ को आगे पीछे रिपीट किया गया है। तो यहाँ से इस फंक्शन को हमने जाना कि कैसे यूज़ करते हैं, इसके आर्गुमेंट के बारे में हमने जाना। ये फंक्शन के हमने 2 डाला था जिससे कि रिटर्न संडे मंडे को 1 माना जाएगा और यहाँ पे 3 माना गया जो हमने ऊपर में फंक्शन डाल रखा है। अब ये तो फंक्शन की बात हो गई, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से। अगर हमको ये जानना है कि संडे जो है वो रेड हो जाए तो वो रेड करनी है, जैसे संडे का जो भी डेट है उस पे हम रेड लगाना चाहते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे सी कॉलम में जहाँ भी संडे हो वो हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का जो तर्क है ये आपको समझना है पहले, कि मंडे जो है उसको 1 माना गया है और मंडे को 1 मानने के लिए हमने टाइप में 2 दिया है रिटर्न वैल्यू। तो इसी तर्क को लेकर हम होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल के पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ से न्यू रूल लेते हैं। सिंपल, नए रूल के अनुसार इसमें सबसे नीचे का जो ऑप्शन है फॉर्मूला, इसके पास जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और एक फंक्शन का नाम डालेंगे जो वीक डे है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लैश नहीं करता है, आपको सब ध्यान में रखना होगा मैन्युअली और फिर डालना होगा इसके अंदर। तो आप यहाँ डालेंगे वीक डे, वीक DAY डे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे सिंपल आप C1 को लेंगे, और ये जो एब्सोल्यूट हो गया है तो एब्सोल्यूट से रेफरेंस नहीं रखना है इसको, इसको आप मिक्स बना दीजिए, जैसे कॉलम लॉक कर दीजिए सिंपली कि हम सी में ही चाहते हैं खाली। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि F4, तो रो लॉक एक बार और दबाया, मतलब ट्वाइस किया, मिक्स हो गया। अब यहाँ से थ्राइस किया, सॉरी, सिंपल में एब्सोल्यूट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ट्वाइस करने से रो लॉक होता है, थ्राइस करने से कॉलम लॉक होता है। कॉलम लॉक किया हमने, कॉमा बटन दिया, अब जो 2 है वो 2 डालेंगे। अब यहाँ से हम बंद करेंगे, अब अगर इंटर मारते हैं तो इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, अगर हम फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मीनिंग क्या है, ये क्या रिजल्ट लेके आएगा, रिजल्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा जो बनता है वो लॉजिकल टेस्ट पे बनता है, कि अगर ये लॉजिक काम कर गया तो रिजल्ट, लॉजिक काम नहीं किया तो नहीं रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे हमने कोई रिजल्ट के लिए लॉजिक यूज़ नहीं किया अभी, तो ये रिजल्ट नहीं काम करेगा। यहाँ पे लॉजिक यूज़ आपको ये करना होगा कि जो संडे 3 तारीख जो पड़ रहा है वो संडे को है, तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन देके अगर हम 7 देते हैं, मतलब 2 1 को संडे मानता है तो ऑटोमेटिक है कि सप्ताह का 7वां दिन, 1 को मंडे मानता है तो ऑटोमेटिक है कि सप्ताह का 7वां दिन होगा वो संडे होगा। तो हमने इक्वल 7 दिया और यहाँ पे सिंपली ओके बटन दबाया, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पूरे डेट में इस साल के जितना भी डेट इसके अंदर भरा हुआ है हर सप्ताह का 7वां दिन आपको लाल दिखाई देने लगेगा। तो ये फंक्शन हमने यूज़ किया, इसमें ये कंसेप्ट है। जैसे सप्ताह का हमको कोई और दिन हाईलाइट करना है, जैसे ये छठा जो दिन है ये सैटरडे है, अब छठा दिन हाईलाइट करना है आपको, तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए सी को, फिर जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, न्यू रूल बनाइए, नए रूल के अनुसार आप इसके वीक डे में जाइए, मतलब यूज़ फार्मूला में जाइए, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करिए इक्वल वीक डे WWEKVDAYDay, ब्रैकेट ऑन करिए और यहाँ पे C1 दीजिए, इसका कॉलम लॉक करिए, थ्राइस दबाना होगा F4 को, कॉमा देना होगा और यहाँ पे रिटर्न टाइप हम 2 देंगे, जैसे कि मंडे को 1 मानेगा, सैटरडे को 6 मानेगा, संडे को 7 मानेगा, और यहाँ पे इक्वल देके हमने कहा 6, मतलब लॉजिकल टेस्ट ये कराया कि जहाँ पे भी 6 रिजल्ट इसका बनना चाहिए वो 6 के बराबर हो जाता है तो उसका रंग कुछ और चेंज हो जाए, जैसे इसको हमने बोला कि वो ब्लू हो जाए ऐसा कुछ। और यहाँ से हम क्या कर दिए कि जो सैटरडे है वो सारा ब्लू आपको दिखाई देने लगेगा, सारे सैटरडे का जो डेट है और संडे का डेट।
तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात होगी। अब अगर हम बात करते हैं आगे वीकडे में तो चलती है, चलिए और बात करते हैं वीकडे के डाटा वैलिडेशन की। तो डाटा वैलिडेशन में क्या कंडीशन होगा कि अगर हमने जी सेक्शन को, जी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, ऐसा सिंपल जी कॉलम को हमने सिंपली सेलेक्ट किया और इसमें वैलिड कर देते हैं, लॉक लगाते हैं, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन के पास गए, यहाँ से हमने क्या किया कि सेटिंग में जाके एनी वैल्यू की जगह कस्टम लिया। कस्टम लेने के बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर एक फॉर्मूला डाला, इक्वल वीक डे, वीक DAYD, ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ से G1 लिया, इसको लॉक करके हमने क्या किया कि कॉलम लॉक कर दिया, कॉमा दिया। अब 2 दे देते हैं क्योंकि रिटर्न हमको सन मंडे 1 चाहिए, ब्रैकेट ऑफ किया हमने, ब्रैकेट ऑफ किया। अब लॉजिकल टेस्ट देना होगा यहाँ पे कि संडे और सैटरडे एक्सेप्ट ना करें, तो यहाँ पे हम देंगे लेस देन 6 देंगे कि 6 से छोटा हो, या लेस देन इक्वल टू 5 देंगे कि 5 और 5 से 5 के बराबर, और 5 से जो छोटा होगा वही डेट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा एक्सेप्ट, ऐसा हमने एक कंडीशन दिया। ये सिंपली हम यहाँ से ओके बटन दबा देते हैं, बस कुछ नहीं, लॉजिकल टेस्ट था मेरा। अब यहाँ से जो लॉजिकल टेस्ट था उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डेट डाल के देखते हैं, जैसे आज का डेट डालना है तो 2/27/19 एंटर मारा तो ये लिया। अगर हम सैटरडे का डेट डालने के लिए चलते हैं 3/2/19 और इंटर मार के देखते हैं तो एक डाटा वैलिडेशन का मैसेज आता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, मतलब जो डिफाइन किया गया है इस सेल के लिए उसे ये मैच नहीं करता है, मतलब ये डेट एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। लॉजिकल टेस्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस फंक्शन को हम इधर रख लेते हैं, जैसे कि इधर हम कुछ करके दिखा पाएं आपको। जैसे हमने जो लॉजिकल टेस्ट किया जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कहा था कि इक्वल वीक डे C1 कॉमा 2 ब्रैकेट ऑफ इक्वल 7, पहले 7 का यूज़ किया हमने फंक्शन इंटर मारते हैं तो ये क्या बोलता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि ये सही नहीं है, इसलिए इस पर कोई काम नहीं किया, वो फंक्शन अप्लाई नहीं हो पाया। और जहाँ पे आपको ट्रू दिखा, मतलब संडे वाला आपको ट्रू दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग 7 हो रहा है, बराबर है 7 के, इसमें फंक्शन जो यूज़ किया गया उसके अनुसार था कि बराबर है 7 के इसलिए ट्रू, यहाँ पे देखेंगे ट्रू। अब हमने अगला फंक्शन यूज़ किया इसमें, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि इक्वल डाला, वीक डे डाला और यहाँ पे हमने C1 दिया, कॉमा दिया और फिर 2 डाला, ब्रैकेट ऑफ किया और यहाँ पे इक्वल टू 6 डाल दिया था कि जो सैटरडे होगा वो हाईलाइट हो, तो 6 डाल के इंटर मारा तो ये भी फॉल्स, तो ये नहीं काम करेगा इसके साथ, हमने इंटर मारा। तो अब देखिए संडे भी फॉल्स, संडे जो है वो भी फॉल्स है, मतलब ये नहीं काम करेगा, सैटरडे ट्रू है तो सैटरडे पे वो अप्लाई होगा, ये समझना है, बस छोटा सा बात है, छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये हमने डाटा वैलिडेशन यूज़ किया है इसके अंदर। अब डाटा वैलिडेशन का क्या लॉजिक है वो भी हम देख के देख लेते हैं। तो डाटा वैलिडेशन का लॉजिक ये है कि इक्वल वीक डे और हमने दिया G1 कॉमा और यहाँ पे 2 डाला, ब्रैकेट ऑफ किया और यहाँ पे डाला लेस देन या इक्वल टू 5, मतलब लेस देन या इक्वल टू 5 होगा वो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला जो डेट है ये ट्रू है। अब यहाँ से अगर हमने ऐसा खींचा कुछ डेट तो ये डेट तो आ गया संडे वाला भी, और यहाँ पे वो खींचने से लेता है लेकिन इंटर नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए जो फॉल्स है ये फॉल्स है,
ये सारे डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें तो फिलहाल कुछ नहीं है, ये दोनों डेट है ये फॉल्स है। अब इस डेट को हम ऐसे सिंपल मिटाते हैं और लिख के दिखाते हैं आपको, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। 3 राइट, 1 नहीं, 2/19 इंटर मार। तो ये डाटा वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन बताएगा कि ये वैलिडेशन जो आपने लगाया है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। तो आई होप कि आप इस फंक्शन के बारे में पूरा समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।